और खूब बड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन इस कहावत को सच कर दिखाया हमारी महिला अंडर 90 क्रिकेट टीम ने, जिन्होंने इंग्लैंड को धूल चटाते हुए 2023 महिला अंडर 90 वर्ल्ड कप भारत के नाम किया। ये केवल जीत नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारत महिला अंडर 90 क्रिकेट टीम की जीत है। जहां इंग्लैंड जैसे दिग्गज टीम को धूल चटाते हुए भारत महिला अंडर 90 क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया। आपको बता दें, महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी अर्चना सिंह लखनऊ एयरपोर्ट से जब कानपुर आए तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। अर्चना सिंह का काफिला लाल बंगला मार्केट से होते हुए अपने होम ग्राउंड रोवर्स ग्राउंड पहुंचा। लाल बंगला मार्केट में भी अर्चना सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। एसएम स्पोर्ट्स के डायरेक्टर चेतना सिंह ने सबसे पहले अंडर 90 खिलाड़ी अर्चना सिंह का स्वागत किया। अर्चना सिंह का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ा और लोगों ने खूब स्वागत किया। और आगे बढ़ते हैं, गोविंद नगर स्थित गेस्ट हाउस में इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज सोनी ने बताया कि विश्व कैंसर दिवस पर इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा 4 फरवरी से 10 फरवरी तक निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में कानपुर शहर के नामी दंत चिकित्सकों द्वारा चेकअप किया जाएगा। आपको बता दें, मुंह का कैंसर एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है जो बड़ी विकलांगता को जन्म दे सकती है, लेकिन अगर सही समय पर इसका इलाज किया जाए तो बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। और हमने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस बंधुओं को इसलिए बुलाने के लिए प्रयोजन था कि जैसा कि सभी जानते हैं, 4 फरवरी जो है विश्व कैंसर दिवस है, और आज अगर आप कैंसर का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ओरल कैंसर या मुख कैंसर का नाम आता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है कि हमारे आसपास में और अगल बगल में हम लोग अगर देखें तो तंबाकू सेवन, सिगरेट सेवन और ये जो आदतें हैं इस प्रकार से नुकसान पहुंचा रही हैं। तो हमने ये डेंटिस्ट भाइयों ने और दंत चिकित्सक संघ ने बीड़ा उठाया कि हम समाज को जागरूक करेंगे कि पहले तो इस चीज़ से दूर रहें, और यदि आप किसी कारणवश या भगवान न करे आप इस बीमारी की गिरफ्त में आ जाते हैं तो सही इलाज, सही मार्गदर्शन, पहला आपको विजिट डेंटिस्ट को करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी पहलू था कि समाज में ये पूरी तरह से पता नहीं था कि यदि हम इस बीमारी की चपेट में आते हैं तो हम किस जगह पे जाएं। कुछ दुष्प्रचार भी था, कुछ भ्रांतियाँ भी थीं कि अगर हमारे मुख में परिवर्तन हो रहा है, हमको नमक मिर्चा लग रही है या हमारा मुँह कम खुल रहा है तो हम क्या करें। कुछ लोग उसमें गलत इलाज में भी चले जाते थे या स्वयं इलाज अपना करने लगते थे। तो ये बीड़ा एक डेंटिस्ट हम लोगों ने उठाया कि हम लोग खुद एक समाज का हिस्सा हैं और जिस प्रकार से इस बीमारी को और इसके पेशेंट को देख रहे थे कि कितनी मृत्यु दर इसमें बढ़ रही है, और नई उम्र के लोग इसमें, नए नए लड़के, नए नए बच्चे इसमें, आप इस शौकिया इसको सिगरेट को, हुक्का, कैफीन शॉट्स और इन सब में आ रहे हैं, तो बड़ी पीड़ा एक होती थी। तो हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया इसको। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews/